गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज क्लास फर्स्ट का हम लोग मैथ में यूनिट 8 कर रहे थे, जिसमें कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में 8 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम 8 बी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कि हम 8 बी एक्सरसाइज करने से पहले हम नंबर्स को, 2 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। तो 2 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, ये मैं कुछ आपको साइन बताती हूँ। ये वाला जो साइन होता है वो आपका लेस देन का साइन होता है, ठीक है, और ये साइन जो है आपका ग्रेटर देन का साइन होता है, और ये इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। ये क्या है, ये साइन है आपके, तो ये लेस देन का साइन है, ये इक्वल टू का साइन, सॉरी ग्रेटर देन का साइन है, और ये इक्वल टू का साइन है। तो जब भी हम 2 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हम सबसे पहले जो टेंस प्लेस होती है उसको कंपेयर करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कोई और डिजिट लेती हूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जैसे 22 और 54, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो टेंस पे, भाई वंस टेंस, तो सबसे पहले हम टेंस प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो इसका 2 देखिए, इसका 5 देखिए, तो दोनों में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, ठीक है। तो ये नंबर आपका बड़ा हो गया, क्या है 54, क्या है 22 इज लेस देन 54, 22 क्या है लेस देन है किससे, 54 से, ठीक है। इसी तरीके से आप एक दो एग्जांपल्स और ले सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ 39 42, ठीक है। तो आप इसमें वंस टेंस, तो आपने ये 2 डिजिट ली, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले आप टेंस प्लेस को कंपेयर करेंगे, तो 3 और 4 में से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 क्या है ज़्यादा है, तो 3 इज़ लेस देन 4, तो 42 39 से बड़ा है। तो आप इसको मैंने आपको एक बार वर्ड्स में भी लिखना सिखाया था, तो 39 इज़ लेस देन 42, 39 इज़ लेस देन 42, ठीक है। एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 52 और यहाँ पे 32 कर लेती हूँ मैं। तो हम सबसे पहले वंस टेंस, तो सबसे पहले हम टेंस प्लेस को कंपेयर करते हैं, तो उसमें जैसे 5 है और ये 3 है, तो 5 3 से ज़्यादा है, ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन का साइन लगाइए हमारा, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो 52 इज़ ग्रेटर देन 32, 52 बड़ा है किससे, 32 से ज़्यादा है। अगर कभी कभी क्या होता है कि ये तो हुआ कि हमने टेंस प्लेस को कंपेयर किया और बता दिया कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, लेकिन मान लीजिए कि टेंस प्लेस सेम दे दी, टेंस प्लेस क्या दे दी, सेम दे दी, तब आप इसको कैसे करेंगे कि 3 है वंस टेंस, ठीक है, तो ये भी 3 है, तो 3 और 3 क्या है, सेम है, तो फिर आप किसको कंपेयर करेंगे, वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, आप वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे, तो वंस प्लेस में 4 ज़्यादा है या 9 ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, तो किसकी साइड टिक लगेगा, 39 की साइड, यानी ग्रेटर देन का साइन लगेगा, तो 39 इज़ ग्रेटर देन 34, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। या मैं लिख दूँ 49 और 45, तो फिर से आप देखेंगे कि इसमें जो टेंस प्लेस है वो दोनों क्या है, सेम है, क्या है, दोनों सेम है, तो हम किसको करेंगे, हम वंस प्लेस को कंपेयर करके देखते हैं, तो वंस प्लेस में 5 क्या है, 5 2 से ज़्यादा है, तो 2 इज़ लेस देन 5, तो 42 इज़ लेस देन 45, तो 45, यानी ये आपने लेस देन का साइन यहाँ पे पुट किया, ठीक है। इक्वल टू, यानी जब दोनों डिजिट हमारी लेफ्ट और राइट साइड की दोनों डिजिट जब एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हों, सेम डिजिट हमें दिखाई दें, तो वो वहाँ पे हम इक्वल टू का साइन पुट करते हैं। तो चलिए इससे पहले, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुट द करेक्ट साइन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो जैसे कि आपने ये दे रखा है, आप इसमें ऐसी वंस और टेंस प्लेस को कंपेयर करेंगे और उसके बाद करके दिखाएंगे। जैसे 3 है और ये भी 3 है, तो 3
और थ्री क्या हो गया, सेम हो गया, थ्री और थ्री क्या हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये थ्री 32 और 38, तो थ्री और थ्री क्या है, सेम है। तो आप किसको कंपेयर करेंगे, टू और एट को कंपेयर करेंगे, तो एट ज़्यादा है, तो 32 से 38 ज़्यादा है, तो इसलिए आप यहाँ पे कौन सा साइन पुट करेंगे बताइए, लेस देन का साइन पुट करेंगे, ठीक है। 50 और 40 में से कौन सा ज़्यादा है, तो आप इसमें देखिए जीरो, आप सबसे पहले आपको काम ही है कि आप टेंथ प्लेस को कंपेयर करें, तो 5 और 4 में से कौन सा ज़्यादा है, 5 4 से, 4 से 5 बड़ा है, तो ये आपका ग्रेटर दैन का साइन हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। इसी तरीके से ये आप कंपेयर कर लेंगे यहाँ तक पूरा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि इफ़ ए बॉक्स शो ए नंबर लेस देन 30 कलर द बॉक्स ग्रीन एंड द नंबर ग्रेटर देन 30 कलर द बॉक्स रेड। इसमें आपको बोल रहा है कि अगर कोई नंबर 30 से क्या है, लेस देन है यानी छोटा है, तब तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, रेड कलर सॉरी ग्रीन कलर शो करेंगे, अगर 30 से कम है और 30 से ज़्यादा है तो आप वहाँ पे रेड कलर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास पेंसिल एक्स्ट्रा में कलर है नहीं, तो ग्रीन और रेड कलर आपको पुट करना है, अगर 30 से लेस देन है तो आपको ग्रीन कलर करना है, और रेड कलर आपको तब करना है वो जब 30 से ग्रेटर देन है। तो 21 जो है वो 30 से ज़्यादा है या कम है, 30 से कम है, लेस देन है ये, तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर करोगे, ग्रीन का मैं यहाँ पे जी लिख देती हूँ, ठीक है। 30 से 38 ज़्यादा है तो आप यहाँ पे रेड कलर कर देंगे, 47 भी 30 से ज़्यादा है तब भी आप यहाँ पे रेड कलर करेंगे, 31 भी 30 से ग्रेटर देन है तब भी आप यहाँ पे रेड कलर करेंगे, लेकिन 27 30 से लेस देन है ना, लेस देन है ना, 27 लेस देन इज 30, तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर करेंगे। इसी तरीके से आप कंपेयर करके उसमें रेड और ग्रीन कलर प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को करने से पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, जब हम अरेंजमेंट करते हैं नंबर्स का, जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, है ना, अरेंजमेंट करते हैं ऑफ नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी छोटे से बड़े के क्रम में लगाते हैं, तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। लेकिन जब हम अरेंजमेंट करते हैं नंबर्स का ऑर्डर में, तो जब हम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर जाते हैं यानी बड़े से छोटे के क्रम में जाते हैं, तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग का मतलब क्या बताया है मैंने, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग का क्या मतलब बताया मैंने, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी बड़े से छोटा। तो जब हम किसी नंबर को छोटे से बड़े के क्रम में लगाते हैं तो वो असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जब हम किसी नंबर को बड़े से छोटे के क्रम में लगाते हैं तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको दे रखी है एक्सरसाइज, ये आपको कंप्लीट करनी है। तो इसमें आप कैसे करेंगे, जैसे कि असेंडिंग मतलब मैंने आपको बताया छोटे से बड़ा, तो आप सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढेंगे, तो 12 सबसे छोटा है, उसके बाद 18, उसके बाद 27, उसके बाद 42, तो ये क्या हुआ, 12 से 18 बड़ा है, और 18 से 27 बड़ा है, और 27 से 42 बड़ा है, ठीक है। तो आप इसमें साइन भी पुट करेंगे, कैसे, इस तरीके का लेस देन का साइन पुट करेंगे, यानी ये किस क्रम में जा रहे हैं, ये छोटे से बड़े के क्रम में जा रहे हैं, ठीक है। 28, 32, 41 और 23 को भी अरेंज करना है हमें ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम 23, फिर 28, फिर 32, फिर 41, तो 23 से 28 ज़्यादा है, फिर से आप किस कौन सा साइन, आप लेस देन का साइन यहाँ पे पुट करते जाएंगे और इसको
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें आपको क्या करना है कि इन नंबर्स को आपको बड़े से छोटे के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ढूंढिए सबसे बड़ा कौन सा है, 47, फिर 39, फिर 38, फिर 32। तो इसमें आप 47 39 से ज़्यादा है, 38 से 39 ज़्यादा है, और 32 से 38 ज़्यादा है। तो ये कौन सा क्रम में हुआ, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये बड़े से छोटे के क्रम में मैंने इनको अरेंज किया है, ठीक है। एक और देख लीजिए, ये क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे 47, फिर 45, फिर 39, फिर 24 इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो 45 से 47 ज़्यादा है, और 45 और 39 में से 45 ज़्यादा है, 39 और 24 से 39 ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया, और अरेंज करेंगे। अरेंज आप बिल्कुल एकदम क्लियरली करना, क्योंकि बुक में करना है बिल्कुल एकदम से साफ साफ, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखा दिए हैं, और वर्कशीट में सेंड कर दूंगी, तो इसलिए ये आप अपना एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम कल की वीडियो में चेक योर माइंड एक्सरसाइज एक बार रिवाइज कर लेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको वर्कशीट इससे रिलेटेड सेंड कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।